द टॉपिक टुडे इज अप्सपा. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. दीज आर एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट ग्रांट स्पेशल पावर्स टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन डिस्टर्ब्ड एरियाज. एक्चुअली अस्पा के अंदर होता क्या है कि पार्लियामेंट एक एक्ट बनाती है जिसके अंतर्गत कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, जो डिस्टर्ब्ड एरियाज की तरह डिक्लेयर किए जाते हैं उन एरियाज में. फर्स्ट टाइम प्री पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जो अस्फा लगा था वो नागालैंड में लगा था 1958 में, एंड जम्मू कश्मीर में एक्चुअली सबसे लास्ट में लगा है 1990 में लगा था. अगर हम देखें कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में सबसे पहले इंडिया में अफ्सपा कब लगा था, तो इट वॉज प्रोमोलगेटेड बाय द ब्रिटिश ऑन 15 अगस्त 1942 टू सप्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश ने अफ्सपा लगाया था. नाउ सी, आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल्स ऑफ दिस, हिस्ट्री क्या है, स्पेशल इसके प्रोविजन्स क्या है एंड ऑल, बट हाँ कुछ प्रोविजन्स जो कॉन्ट्रोवर्शियल रहते हैं वो हम देख लेते हैं. फर्स्ट थिंग इज, इट्स नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल बट या इट शुड बी नोन टू ऑल. फर्स्ट थिंग इज, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एनी पार्ट और फुल ऑफ स्टेट एज डिस्टर्ब्ड एरिया. डिस्टर्ब्ड एरिया जहाँ पे कि अफ्सपा लगाया जाता है वो गवर्नर ऑफ स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं. नाउ लेट्स लुक एट दी कॉन्ट्रोवर्शियल वंस, कि जैसे अस्फा के अंदर स्पेशल पावर्स दी जाती हैं आर्मी ऑफिसर्स को टू शूट हु वायलेट्स एनी लॉ, इंक्लूडिंग असेंबली ऑफ फाइव और मोर पीपल कैरिंग वेपन्स. इसके अंदर आर्मी ऑफिसर्स को पावर्स दी जाती हैं कि वो किसी को भी शूट कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ इवन, अगर कोई लॉ वायलेट कर रहा है, एंड इवन अगर किसी 5 या ज़्यादा लोगों की असेंबली है जिनके पास में कोई वेपन है उस पर शूट करा जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के. एंड ओनली कंडीशन जिसमें कि शूट किया जाता है वो यही होती है सिर्फ कि ऑफिसर को सिर्फ एक वार्निंग प्रोवाइड करनी होती है. एंड जो ऑफिसर इस टाइप का कर रहा है वर्क, तो उसका जो प्रोसिक्यूशन होता है, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफिसर ऑन ड्यूटी नीड्स प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि इतना ईजी नहीं होता है. तो अब हम देखते हैं सबसे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगेन, कि अस्फा से रिलेटेड क्या प्रोज हैं क्या कौन से हैं, एंड इसी के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर इट शुड कंटिन्यू और नॉट. तो पहले देखते हैं हम प्रोज, आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट. फर्स्ट इज, इट हेल्प्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज इन द इवेंट ऑफ इंक्रीजिंग सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज ऑफ मिलिटेंट्स. जैसे हम देखते हैं कि सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज जब एरियाज में बढ़ती हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. तो वहाँ का जो सिविल अथॉरिटीज हैं या पुलिस है उनके हाथ में नहीं रहता है सारा मैटर, आई मीन दे बिकम इनकेपेबल टू हैंडल इट. तो उस केस में अस्फा का लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सेकेंड इज टू सिक्योर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टीथ मस्ट बी गिवन टू आर्मी. ऑब्वियसली अस्फा का होना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आप नॉर्मल लॉ से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो लॉज पुलिस फॉलो कर रही है वही लॉज आर्मी फॉलो कर इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर पाएगी, एज इन द केस ऑफ जम्मू कश्मीर और इन द केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. एंड थर्ड इज, अ सोल्जर परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी टूवर्ड्स कंट्री डिजर्व्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ लीगल प्रोसिक्यूशन. अगर कोई सोल्जर ऑन फील्ड अपनी ड्यूटी कर रहा है तो वो वॉट एवर ही इज गोइंग थ्रू, लाइक जो भी चीज़ें वो फेस कर रहा है वो ऑन बैटल फील्ड है. इट्स मोर और लाइक बैटल फील्ड ओनली, कि उसको वहाँ पे सेपरेटिस्ट और सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज वाले लोगों को फेस करना पड़ता है. तो ऑब्वियसली इस टाइप की ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम सोल्जर एक फ्री माइंड से उसको काम करना चाहिए. उसको ये नहीं लगना चाहिए कि इफ़ सपोज आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्शन देन मेरे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले लिया जाएगा. तो किसी भी तरीके का काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, फ्री माइंड से उसको अपना काम करना चाहिए. फोर्थ इज, द बैटल अगेंस्ट टेररिज्म कैन नॉट बी इक्वेटेड विद नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर, नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम.
वही बात है कि आप टेररिज्म जैसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आप नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम के साथ में इक्वेट नहीं कर सकते हो, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि नॉर्मल जो स्टेट पुलिस है उसको हैंडल कर पाएगी. तो उसके लिए असवा का लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, एंड सो इट शुड बी कंटिन्यूड. तो ये तो कुछ प्रोस थे. नाउ लेट्स सी सी द कॉन्स. फर्स्ट थिंग इज दैट अंडर गार्ब ऑफ इम्प्यूनिटी अगेंस्ट प्रोसिक्यूशंस, क्रुएलिटी एंड ह्यूमन राइट्स वायोलेशन टेक्स प्लेस. ये हमेशा से एलिगेशंस लगती हैं ऑफिसर्स के ऊपर, सोल्जर्स के ऊपर, कि जो इम्प्यूनिटी उनको मिली हुई है अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन, उसके गार्ब में उसके पीछे छिप के वो लोग कॉमन लोगों के साथ में क्रुएलिटी या ह्यूमन राइट वायोलेशंस करते हैं. एंड सेकेंड इज ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अ डिस्टर्ब एरिया हैव नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट. तो जो ग्राउंड्स हैं, किस बेसिस पे किसी एक पर्टिकुलर एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करके वहाँ पे असवा लगाया जा सकता है, वो काफ़ी आर्बिट्ररी है, वो एक्ट में डिफाइंड नहीं है. थर्ड इज पावर टू शूट टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ एंड अरेस्ट विदाउट वॉरेंट इज अगेंस्ट आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो इसके अगेंस्ट है, आप किसी को भी उस लाइक इट्स अ वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 21, आप किसी को भी शूट कर रहे हो टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ. देन फोर्थ इज इट्स नॉट सक्सेसफुल इन टोटली कर्बिंग इन इंसर्जेंसी, एंड इट हैज़ बीन सीन चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो या इवन एट प्रेजेंट अगर आप जम्मू कश्मीर का कंडीशन देखो, थिंग्स आर गोइंग वर्स्ट एंड वर्स्ट. लाइक तो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है इवन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ असवा इन दीज एरियाज. एंड फिफ्थ इज ग्रेव ह्यूमन राइट वायोलेशंस हैव एक्चुअली हेल्प द इंसर्जेंट्स टू मोबिलाइज पीपल अगेंस्ट गवर्नमेंट. होता क्या है कि अगर हमारी जो आर्म फोर्सेस की तरफ से अगर कोई ह्यूमन राइट वायोलेशंस होते हैं या कुछ क्रुएलिटी होती है, तो ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इंसर्जेंट्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ के लोग हैं उनको मोबिलाइज करें अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द आर्मी, और अपने पर्पस सॉल्व करें. और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में एक्चुअली ये जो सेपरेटिस्ट हैं, ये सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज वाले लोग हैं, ये अपना मकसद पूरा करते हैं. ये कुछ पॉइंट्स थे अगेंस्ट द असपा और वाई असपा शुड नॉट बी कंटिन्यूड. अब अपने आंसर में हमें कुछ ना कुछ लाइक कमेटीज़, अगर हमें पता हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कि बीपी जीवन रेड्डी कमेटी या सेकेंड एआरसी कमेटी कमीशन एंड संतोष हेगड़े कमेटी. ये कुछ ऐसे कमीशन है, कमेटीज़ हैं जिन्होंने कहा है कि असवा को रिपील किया जाना चाहिए एंड वहाँ के जो जो पुलिस लॉज हैं या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग करने चाहिए कि वो इन इन पर्टिकुलर चीज़ों को भी, सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज़ को भी सॉल्व कर सकें. जैसे कि अगर हम देखें अभी रिसेंटली जो त्रिपुरा ने अपनी जो जहाँ से असवा हटाया है, एंड जिस तरीके से लास्ट कुछ ईयर्स में वहाँ पे कुछ किसी भी तरीके का वायलेंट एक्टिविटी नहीं हुआ है, तो ये शो करता है कि ऐसे स्टेट्स भी जहाँ पे आज असवा लगा हुआ है उनको हटाने के बाद में भी वो लोग अच्छी तरीके से काफ़ी प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ सकते हैं. लेकिन हमें अपने कंट्री का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है. वी कैन नॉट ऑल अलोन लीव एवरीथिंग ऑन द स्टेट. तो हाउएवर द एक्ट नीड्स टू बी कंटिन्यूड बट विद मोर ह्यूमन प्रोविजन्स. तो ऐसा नहीं है कि हम ऑल ऑफ अ सडन बहुत रेडिकल चीज़ लाएं और ऑल ऑफ अ सडन असवा वहाँ से हटा दें और एक बहुत ही क्लीन ग्राउंड प्रोवाइड कर दें सेपरेटिस्ट को या सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज वाले लोगों को. करना क्या है, कंटिन्यू रखना है एक्ट असवा को, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमेन प्रोविजंस के साथ में. इवन यूनाइटेड नेशंस ने भी बोला है कि रिपील करना चाहिए, बट वी कैन नॉट रिपील लुकिंग इनटू द ग्राउंड सिचुएशंस. लेकिन हाँ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमेन प्रोविजंस उसमें इंक्लूड करने हैं सो दैट किसी भी तरीके का क्रुएलिटी या किसी भी तरीके का ह्यूमन राइट वायलेशंस हमारी तरफ से या हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से ना हो. थैंक यू एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो.